ये अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और ये पूरी सामने ही हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, पर नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी मैं मौजूद हूँ इटावा जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है ETW। आपको बता दें कि इटावा जंक्शन जो कि यूपी में पड़ता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और यहाँ पे जो है मुलायम सिंह का घर भी यहीं से कुछ ही दूरी पे है, जो कि उसका भी इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जो कि सफाई है। यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग जो है उसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं। इटावा जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जब भी आप आते हैं तो सबसे पहले यहीं पे होता है, और यहाँ से इन करने के बाद आप इटावा जंक्शन से अलग जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इटावा जंक्शन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक घोड़ा चाय है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे जरूर पीते हैं। इटावा जंक्शन का जो है ओपन किया गया था 1861 में, और इसे इलेक्ट्रीफाइड 1964 में किया गया। पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, जिसमें से 5 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक बनाए गए हैं। तो ये जो है पीछे का लोकेशन में आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्री गेट है इटावा जंक्शन का, जहाँ पे आप एंट्री लेंगे। जैसे ही आप इटावा आएंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह यहाँ पार्क कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, देन आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपके पास टिकट होना चाहिए, टिकट होने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। और ये जो है मेन एंट्रेंस गेट है, ये सामने लाइट भी जला हुआ है, और ये है आपका गेट है, आप देख सकते हैं इटावा जंक्शन का लगाया गया। उसी के सामने यहाँ पे जो है आरक्षित टिकट होता है, साथ साथ में यहाँ पे आप जनरल टिकट भी ले सकते हैं। दोनों टिकट आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। एक और वीडियो हमने पिछला बनाया, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने सारी जानकारी दी है। और ये इटावा जंक्शन का मेन है, जहाँ से आप इन करेंगे। जब भी आप आते हैं, चाहे रात को हो चाहे दिन को हो, कभी भी आते हैं तो आपको यहाँ होटल का सुविधा मिल जाएगा। सामने रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने बहुत सारे होटल है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं कम रेंज में। जिस तरीके से आपका रेंज है, जैसा भी है, 500, 2000, 3000, जिस तरीके से आपका रेंज है, उस रेंज में आप यहाँ पे होटल वगैरह ले सकते हैं, सुविधा है। जस्ट इसी के सामने यहाँ ऑटो लगती है, स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे यहाँ पे ऑटो की जो है बहुत सारे ऑटो लगती है, जो कि ऑटो के सहारे आप इटावा की कोई भी जगह पे आपको जाना हो, चाहे पे कहीं भी जाना हो, उन सभी जगह के लिए आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएगा। साथ में अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो प्राइवेट आपको गाड़ियां भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से इन करेंगे। एक ही ओर यहाँ घुसने के लिए है, इसी साइड पे दूसरी ओर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जो है वो स्टेशन इंड है, तो यहाँ से आप घुसेंगे और ये जो है यहाँ पे आरक्षित होता है काउंटर में। यहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिलेगा, जनरल टिकट भी अवेलेबल है, साथ साथ में आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन भी हो जाएगा। आपको बता दें कि इटावा जंक्शन जो कि कानपुर लाइन को जोड़ती है, हावड़ा की ओर जाती है, हावड़ा बंगाल की ओर या फिर बिहार झारखंड की ओर जितनी भी गाड़ियां जाती है वो इटावा होते हुए जाती है। बहुत सारी गाड़ियों का स्टॉपेज यहाँ पे है, और बहुत सारे ऐसे है जिनका गाड़ियों का यहाँ स्टॉपेज नहीं है, तो ये जो दोनों डिपेंड करता है। तो बहुत सारी गाड़ियां है जिसका स्टॉपेज है, तो काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे रुकती है, राजधानी हो, शताब्दी हो, या और भी जो गाड़ियां वो यहाँ पे रुकती है। सामने ही स्क्रीन लगाया गया LED का, जैसे अंदर जाएंगे वहां पे भी अनाउंसमेंट किया जाता है लगातार, कौन सी गाड़ी कौन सा प्लेटफॉर्म में आ रही है। साथ साथ में वो स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कौन सा प्लेटफॉर्म में आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा की कौन सी गाड़ियां आ रही है, तत्पश्चात आप अंदर जा सकते हैं, और प्लेटफॉर्म में जो भी प्लेटफॉर्म में आपकी ट्रेन है उस पर आप जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है इटावा जंक्शन का, जो मैंने चाहा आपको दूं। एक और वीडियो हमने बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी हम अंदर ले चलते हैं आपको, प्लेटफॉर्म के अंदर भी दिखाता है अद्भुत नजारा और वहाँ का सब कुछ आपको। जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, 7:27 टाइमिंग दिखा रहा, 12:003। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये है हमारा अली जो है यहाँ का इटावा जंक्शन। यहाँ पे TT भी रहता है सहयोग के लिए, यहाँ पूछ सकते हैं, और ये सामने है। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, यहाँ गार्ड वार्ड सब है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और इसी के सामने 1 है, तो 5 प्लेटफॉर्म है इटावा में, जो कि इस तरीके से। और अभी शाम हो रही है, पूरी सामने ही हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बनाया गया, जो कि गाड़ी वगैरह आप इससे पार कर सकते हैं। ये ओवर ब्रिज है, जो कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म की ओर जाती है। उस साइड भी आपको लोग मिल जाएंगे, उधर भी आपको लोग मिल जाएंगे। तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, पीछे की ओर के देखें तो ये इटावा जंक्शन में। एक चीज़ सबसे अच्छी है कि देखिए यहाँ साइलेंसर बजता है, जब भी जो ट्रेनें हैं अगर एक्सप्रेस आ रही है या राजधानी आ रही है जिसका स्टॉपेज इटावा में नहीं है, तो ये चीज़ अच्छा है कि वो साइलेंसर बजता है, मतलब उस जिस प्लेटफॉर्म में बज रही है उस प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से सतर्क रहें, कोई क्रॉस ना करे पटरी में। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग सतर्क हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी है, जिसके कारण किसी को भी क्रॉस किया नहीं जाता है, देने नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से जो है लोग बच जाते हैं। अभी देखिए एक ट्रेन आ रही है, अभी अभी साइलेंसर आपने सुना, और अभी देखिए एक ट्रेन आ रही है। तो ये रोड पूरा क्लियर होना चाहिए, देखिए ये कितना एक्सप्रेस में आ रही है, देख सकते हैं, ये आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, देखिए
बहुत ही फास्ट चल रही है और यह नहीं रुकती, इसीलिए साइलेंसर भी बजता है। तो ये बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से दुर्घटना नहीं होती है। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है, तो ये अच्छा सुविधा है रेलवे के द्वारा। और ये प्रयास हर जगह करना चाहिए, हर एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे स्टॉपेज नहीं वहाँ साइलेंसर लगाना चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इटावा जंक्शन में आपको इस तरीके से हॉर्न मिल जाएगा जहाँ पे साइलेंसर जो है वो बजने वाला होता है। जब भी इस प्लेटफॉर्म में अगर कोई ट्रेन आती है 3 नंबर या 4 नंबर में, मतलब जिस भी ट्रेन है जिस प्लेटफॉर्म में आएगी उसमें जो है ये साइलेंसर बजने लगता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि इसी ट्रेन में जो राजधानी एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी है वो ट्रेन आने वाली है, जो कि यहाँ पे जिसका स्टॉपेज नहीं है और बहुत ही स्पीड में आने वाली है। तो उस समय जो यहाँ के पुलिस प्रशासन होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं और फिर इस प्लेटफॉर्म में यहाँ से किसी को पार होने के लिए नहीं दिया जाता है। साथ में पूरा प्लेटफॉर्म में देखा जाता है कि कोई भी क्रॉस ना करे, क्योंकि बहुत ही स्पीड आती है वो ट्रेन। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी स्पीड आती है। आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा पहल है रेलवे के द्वारा कि यहाँ पे साइलेंसर लगाया गया, ताकि लोगों को पता चले कि इस वाले प्लेटफॉर्म में कोई आ रहा है। तो ये हर जगह अप्रूव होना चाहिए, ताकि हर एक जगह पे लोगों को इंश्योर हो कि इस प्लेटफॉर्म में कोई गाड़ियाँ आ रही है। और इसी की वजह से बहुत सारी घटना भी हो जाती है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो ये देखिए, पूरा साइलेंट है अभी और इसी में अभी आएगी।